हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि फैसो की ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाओ। सो आज मैं फैसो की ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसे मैं एपिसोड वाइज अपलोड करूँगा। सो ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें फेस ड्रॉ करके दिखाऊँगा। एंड इस ड्राइंग के लिए मैंने आइवरी पेपर का यूज़ किया है एंड आठ लाइन की पेंसिल का यूज़ किया है। सो सबसे पहले मैं आठ लाइन की 2B पेंसिल से आई ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद मैं 10B पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ आई को, जो कि कैमलिन की पेंसिल है, और 2B पेंसिल से मैं सेट कर रहा हूँ आई के जस्ट नीचे। देन ऊपर भी। अगर एक ड्राइंग आप सिर्फ फैसो की फैन हो इसलिए देख रहे हो तो ऐसे देख सकते हो, या फिर अगर आपको सीखना है तो मेरे स्टेप को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ। तो 2B पेंसिल से मैंने यहाँ सेट कर लिया है एंड ब्रश का यूज़ करके मैंने पेंसिल को ब्लेंड कर दिया। अब मैं नोज़ की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड में पीक है, आप देख भी सकते हो। एंड 4B पेंसिल यूज़ करके मैं आईब्रो को बना रहा हूँ एंड 10B पेंसिल यूज़ करके मैंने उसे डार्क कर लिया। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की पेंसिल दिख रही है एक साइड में, जो कि फेवर कास्टल की है 4B पेंसिल है, एंड आठ लाइन की 2B पेंसिल एक साइड में है। सो देखना मैं कब 2B पेंसिल यूज़ करता हूँ एंड कब मैं 4B पेंसिल यूज़ करता हूँ। सो अभी जस्ट शेडिंग कर रहा हूँ, हल्की शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल से एंड नोज़ के एरिया में भी 2B पेंसिल से ही शेडिंग कर रहा हूँ। नोज की आउटलाइन लगभग एंड सेकेंड दूसरी साइड का भी ड्रॉ कर लेते हैं। टू बी एंड 4B पेंसिल दोनों का मिक्स करके मैं आउटलाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ, जैसे नो से रियल इमेज में। इतना ड्रॉ हो जाने के बाद मैंने ब्रश का यूज़ करके मैं सेट कर लिया। ब्रश के साथ ही मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है छोटे छोटे एरिया के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करता हूँ मैं, एंड बड़े एरिया के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सो नोज़ लगभग ड्रॉ हो चुका है, अब मैं 2B का यूज़ करके सेकेंड आई की आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकेंड आई की आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद मैं 4B से उसे डार्क करूँगा एंड 10B से और डार्क करूँगा। सो 4B से पहले अंदर का एरिया फिल कर लेते हैं एंड अब मैं 10B का यूज़ करके उसे डार्क कर रहा हूँ। सो सेकेंड आई रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने रिकॉर्ड किए बिना उसे ड्रॉ कर लिया, रिकॉर्डिंग पे लगाया नहीं था। लगभग आधा फेज ड्रॉ हो चुका है, अब फोर हेड को ड्रॉ करना है हमें, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिक को अच्छे से, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हो गया ये, अब मैं 4A की आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो भी माथे का एरिया है उसे। देन ये ड्रॉ हो जाने के बाद अब उसमें शेडिंग करेंगे हम हल्के हाथ से। 2B का यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो आर्ट लाइन की पेंसिल है वो 2B है, एंड दूसरी तरफ जो फेबर कास्टल की पेंसिल है वो 4B है, जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है वो 4B है। सो 2B एंड 4B को यूज़ करके हमने फोरहेड को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, एंड इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जो बाकी बची हुई ड्राइंग है मैं नेक्स्ट एपिसोड में ड्रॉ करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।